ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, कहता है टू बॉडी है, दो बॉडी है, एक बॉडी है 1 kg की, दूसरी बॉडी है 3 kg की। चलो एक बॉडी है 1 kg की और दूसरी बॉडी है 3 kg की, है ना, दो बॉडी हम लोग के पास, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इन दोनों का दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इसका और इसका पोजीशन वेक्टर दोनों का हमें दिया हुआ है, वो आर वन है, आर वन पोजीशन वेक्टर आर वन दिया हुआ। देखो क्वेश्चन में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और जो पोजीशन वेक्टर आर टू है वो दिया हुआ है -3i कैप और -2j कैप और +k कैप, क्लियर है। तो सिस्टम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या था बोलो, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2, और डिवाइड कर दो मासेस m1 प्लस m2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्ट में फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दो, तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आएगा, देखो हाँ करो, मास 1 kg था, 1 में इस मल्टीप्लाई कर दो तो वही रहेगा, तो आई प्लस 2j कैप प्लस के कैप और प्लस फार्मूले से, और r2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9i कैप -9i कैप -6j कैप और +3k कैप, और डिवाइड कर दो समेशन ऑफ मासेस 3, 2, 5, 3, 1, 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा -8i कैप और 2a कैप और ये -4j कैप, ठीक है, और ये +4k कैप, तो कुल मिला के ÷4, तो कुल मिला के तो ये वाला चीज़, ठीक है, क्लियर है। -2i माइनस जे के कैप, मतलब ये फर्स्ट बी ऑप्शन सही है, ठीक है।